आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन की जांच के साथ नाम वापसी की प्रक्रिया के साथ साथ प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए पुरुष 7, उपाध्यक्ष पद के लिए महिला 3, महासचिव पद के लिए 2, संयुक्त सचिव पद के लिए पुरुष 4, संयुक्त सचिव पद के लिए महिला 3, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 शिक्षकों ने नामांकन किया। विश्वविद्यालय से संबद्ध सहायता प्राप्त कॉलेजों के लगभग 1500 शिक्षक अपना नेता चुनेंगे। आज ओटा चुनाव के नामांकन का दिन था और काफ़ी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्रों को भरा है। अध्यक्ष के पद के लिए 5 नामांकन, महामंत्री के लिए 3, कोषाध्यक्ष के लिए 3 और इसी प्रकार से विभिन्न पदों के लिए नामांकन प्राप्त हुए। कार्यकारिणी सदस्यों के लिए करीब 20 लोगों ने नामांकन किया है और करीब 1250 मतदाता जो कि विभिन्न अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षक हैं वे अपने मताधिकार का प्रयोग 20 तारीख को करेंगे। चुनाव अधिकारी सेंट जॉन्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसबी सिंह ने बताया कि ओटा चुनाव की प्रक्रिया 18 व 20 दिसंबर को BVRI बिशपुरी में संपन्न होगी। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के साथ उपाध्यक्ष के 3 पदों, 2 पुरुष 1 महिला, संयुक्त सचिव के 2 पदों, 1 पुरुष 1 महिला, कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के साथ फुफुक्ता के 2 सदस्यों का चुनाव होगा। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्य की ओर से कॉलेजों के शिक्षकों की प्रति हस्ताक्षरित प्रमाणित सूचियों को अंकित ओटा पुफुक्टा AI फुक्टो और मतदाता का शुल्क 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक जमा करने वाले शिक्षक ही चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी कर सकेंगे। आगे चुनाव होंगे 20 तारीख को और विभिन्न बूथों में चुनाव कार्यकारिणी सदस्य के लिए और पदाधिकारियों के लिए चुनाव होंगे और चुनाव के तुरंत बाद जो है वो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। काउंटिंग के साथ साथ हर बैलेट पेपर को स्कैन करके प्रदर्शित भी किया जाएगा हाउस के सामने ताकि पारदर्शी तरह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके। BVRI विचपुरी जो है वो मतदान का केंद्र है और आगरा विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के सभी कॉलेज के शिक्षक जो हैं वो वहाँ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतगणना और परिणामों की घोषणा 20 दिसंबर को होगी। चुनाव अधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह के अलावा BVRI बिशपुरी के प्राचार्य डॉक्टर एनके सिंह, ओटा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रक्षपाल सिंह हैं। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।